मंत्री आगरा में सरकारी विभाग के कर्मचारियों को लापरवाही अधिकारियों को घनचक्कर बना रही हैं। संरक्षित स्मारक ताजमहल को लगातार बनाया जा रहा है निशाना। लगातार एक के बाद एक नोटिस में टैक्स के रूप में दिया जा चुका है करोड़ रुपए का नोटिस। आगरा नगर निगम में भेजा गृह कर के रूप में लगभग 1,47,000 का नोटिस। पूर्व में 2 महीने पहले भी जलकल विभाग द्वारा भेजा गया था लगभग 1,90,00,000 रुपए का टैक्स नोटिस। पहले भी छावनी परिषद द्वारा आगरा किला संरक्षित स्मारक को लगभग 5 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा जा चुका है। फिलहाल पुरातत्व विभाग द्वारा सभी नोटिस भेजने वाले विभागों को नोटिस वापस कराने के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन सभी स्मारक ऐसे टैक्स के दायरे में नहीं आते। इनफैक्ट 2 नोटिस हमको मिले हुए हैं। एक तो ताज पूर्वी गेट से संबंधित है जो जिसमें गृहकर या संपत्ति गृहकर की बात कही गई है। दूसरा नोटिस है जल कल विभाग से, संभवतः वो भी नगर निगम का ही हिस्सा है। उसमें करीब 10-12 पॉइंट हैं और अलग अलग ताज वार्ड नंबर 1 से लेकर के कुछ 11-12 तक हैं। तो वो 1 करोड़ कुछ की देयता निर्धारित की गई है ASI के ऊपर, सीवेज कर, जल कर या दूसरे उसके नाम से। दोनों ही प्रकरणों में 2 अलग अलग बातें हैं। पहला तो यह है कि जो संपत्ति कर है या गृह कर है वो मोनूमेंट प्रमाइसेस पे अप्लीकेबल नहीं होता है, और ये प्रोविजन जो स्टेट के जो लोकल म्यूनसिपैलिटी से संबंधित एक्ट हैं उसमें भी है, उत्तर प्रदेश के एक्ट में भी प्रोविजन है और जो दूसरे स्टेट्स के एक्ट है उनमें भी प्रोविजन है। तो संभवतः शायद भूल चूक या कुछ गलती की वजह से ये जो 1 लाख समथिंग का है वो नोटिस हो सकता है। अब जो दूसरी बात है, जो दूसरी नोटिस है जलकल वाली 1 करोड़ समथिंग की है, उसमें भी इसके पहले कभी कोई देयता निर्धारित नहीं की गई है डिपार्टमेंट के ऊपर, और ना ही कोई हमारा कुछ ऐसा कनेक्शन है और ना ही किसी कनेक्शन का कोई कमर्शियल यूज है। हम मोनूमेंट प्रमाइसेस में मैक्सिमम एरिया में ग्रीनरी मेंटेन करते हैं, जो एक लॉन है जो एम्बियंस के लिए और इन्वायरमेंट के लिए बेहतर है। जो मोनूमेंट प्रमाइसेस है उसमें जो भी सुविधाएं देते हैं वो पब्लिक के लिए देते हैं, वो निःशुल्क सुविधाएं होती हैं। सो मोनूमेंट में इस तरह की किसी भी चीज को लेकर के कोई टैक्स की देयता अभी तक मेरी जानकारी में हिंदुस्तान में किसी भी मोनूमेंट पे ऐसी निर्धारित नहीं की गई। और सिर्फ ये नगर निगम की ही बात नहीं है, अभी कुछ दिन पहले हमको आगरा फोर्ट जो वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है उसके लिए कैंटोनमेंट बोर्ड ने भी एक लगभग 5 करोड़ के आसपास की देयता निर्धारित की थी। तो उनमें भी हमने उनको जवाब दिया है कि ये एक्ट में ये सारी चीजें एग्जेम्प्टेड है, और गवर्नमेंट ने जब GST रिजाइम में ये क्लियरली नोटिफाइड किया है कि सर्विस टैक्स भी किसी भी तरह से इस पे अप्लीकेबल नहीं होगा। 15 नवंबर 2017 का स्पेसिफिक नोटिफिकेशन है मोनूमेंट्स को लेकर के। उसके पहले जो सर्विस टैक्स था, सर्विस टैक्स रिजाइम में भी ये प्रोविजन था कि जो मोनूमेंट होते थे उन पे किसी भी तरह की सर्विसेज या बाकी चीजों पे लेकर के कोई भी टैक्स या सर्विस टैक्स की देयता नहीं होती थी। तो मुझे लगता है कि भ्रमवश या पूरी जानकारी ना होने की वजह से इस तरह की चीजें आ रही हैं। हम उनको राइटिंग में रिप्लाई कर रहे हैं और होप सो ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी।